विधवा स्त्री और बांझ स्त्री का मुख देखना चाहिए या नहीं। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण है, तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही अच्छा है, इस प्रसंग से आपको एक सीख मिलने वाली है दोस्तों। उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि सुबह सुबह हमें किसका मुख देखना बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि सुबह सुबह या किसी महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे हों और काना व्यक्ति यानी जिसकी एक आंख नहीं हो दिख जाए तो अपशकुन होता है। ये भी याद रखें कि सुबह सुबह किसी को एक आंख नहीं दिखाएं, क्योंकि एक आंख दिखाने से देखने वाले व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता। दोस्तों, सुबह सुबह श्रृंगार की हुई सुहागन स्त्री का दर्शन बड़ा ही शुभ माना जाता है। अगर घर का दरवाजा खोलें और सामने लाल वस्त्र में सुहागन स्त्री दिख जाए तो मतलब ये है कि आज आपको लाभ मिलने वाला है या कोई बड़ा काम बनने वाला है। अगर सुबह उठते ही आपको वेदों के दर्शन हो जाएं या वेद पाठ करने वाले पुरुष दिख जाएं तो दिन बड़ा ही शुभ होता है। सुबह उठें और दरवाजा खोलते ही गाय नजर आए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। नींद खुलते ही गाय की आवाज कानों में आना भी अच्छा शगुन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सुबह किसी भी गाय का दिखना शुभ होता है, लेकिन काले रंग की गाय दिखे तो यह उत्तम होता है। सुबह के समय आंख खुलते ही अग्नि के दर्शन हो जाएं तो यह अच्छा शगुन माना जाता है। इससे आप दिन भर ऊर्जावान और सक्रिय रहते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम अद्रा, यानी हथेली में लक्ष्मी सरस्वती और गोविंद का वास होता है। इसलिए कुछ न हो तो नियमित रूप से सुबह उठने पर सबसे पहले हथेली को देखें, इससे बुरे प्रभाव दूर होते हैं और दिन अनुकूल बना रहता है। सुबह सुबह हवन देखना भी शुभ और मंगलकारी माना जाता है। आइए अब देखें शास्त्रों के अनुसार किन चीजों का सुबह सुबह दिखना अशुभ होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि पापिष्ठम दुर्भाग्या मद्यम नग्नम उत्कृत नासिकम प्रातर उत्थाय या पश्येत्तत कलेरूप लक्षणम, यानी सुबह उठाकर आपको दुराचार ऋणी स्त्री, शराब, नंगा व्यक्ति, नाक कटा हुआ पुरुष या पापी इंसान दिख जाए तो यह अशुभ फलदायी होता है। सुबह सुबह कुत्ते का मैथुन करते हुए दिखना भी अच्छा शगुन नहीं माना गया है। मान्यता है कि सुबह सुबह या किसी महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे हों और काना व्यक्ति यानी जिसकी एक आंख नहीं हो दिख जाए तो अपशकुन होता है। यह भी याद रखें कि सुबह सुबह किसी को एक आंख नहीं दिखाएं, क्योंकि एक आंख दिखाने से देखने वाले व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बांझ स्त्री का और विधवा स्त्री का। मुख देखने से क्या होता है, विधवा स्त्री का मुख देखना चाहिए या नहीं, तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही अच्छा है, इस प्रसंग से आपको एक सीख मिलने वाली है। सुबह उठते ही विधवा स्त्री का मुख देखना चाहिए या नहीं, कुछ लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। किसी पुरुष की पत्नी मर जाए तो सुबह उसका मुख देखा जाए। मित्रों समझना, आज लोगों ने समाज में जो भ्रांतियां उत्पन्न कर रखी हैं, वह शिव महापुराण इस भ्रम को मिटाना चाहता है। जिसकी पत्नी मर गई तो सुबह सुबह उसका मुंह देखना चाहिए या नहीं, अरे भाई वह तो पुरुष है, उसका मुंह देखने में क्या दिक्कत है। पर तुम्हें क्या मालूम है कि उसकी पत्नी मर गए, अगर वह बिंदी लगता, मंगल सूत्र पहनता, मांग बरता तो समझ में आता कि उसकी पत्नी जिंदा है या मर गई। बिंदी भी नहीं है, मंगल सूत्र भी नहीं, मांग भी नहीं है, पर स्त्री का पति मर जाता है तो लोग साधारण सी भाषा में कह देते हैं सुबह सुबह मुंह दिख जाए तो अपशगुन होता है, क्योंकि जन्म परमात्मा ने दिया है, मृत्यु भी परमात्मा देते हैं, इसका संबंध किसके साथ कितना है यह ईश्वर ने पहले ही लिख दिया है। तुम किसी का मुख देख के यह निर्णय नहीं ले सकते हैं गलत है या सही है। यदि मित्रों इस प्रकार से सुबह सुबह मुख देखने की यह
अपशगुन शगुन होता तो मेरे राम जी महाराज, उनके पिताजी दशरथ जी भी स्वर्ग से धार गए थे, तो उनकी तीन पत्नी विधवा हो गई थी, कौशल्या, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया, वह भी तो विधवा हो गई थी। अयोध्या के लोगों ने उनका मुख नहीं देखा था। क्या भगवान श्री राम ने मुंह नहीं देखा था? यह हमारी सोच है, हमारी बुद्धि, हमारे धृष्टता। मैं आपसे निवेदन करूंगा, पापी को पाप नजर आता है, कपटी को कपट नजर आता है, बेईमान को बेईमानी नजर आता है, और धर्मात्मा को धर्म नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्य नजर आता है। जिसकी जैसी सोच रहती है, सामने वाला व्यक्ति उसको वैसा ही नजर आता है। अगर मान लिया पति मर भी गया, पर पत्नी को परमात्मा ने जीवित रखा है। क्यों रखा है? कि जाने वाला तक चला गया, परंतु पत्नी जितना दान करेगी, भजन करेगी, पुण्य करेगी, भगवान का स्मरण करेगी। जैसे मित्रों, पति नौकरी करता है और नौकरी करते करते मर जाता है, तो पत्नी को आधी तनख्वाह आती है। उसी तरीके से पति के जाने के बाद पत्नी को जो पुण्य प्राप्त होता है, जो दान करती है, जो पूर्ण करती है, उसका आधा काट कर उसके पति के खाते में जाता है। और पत्नी के जाने के बाद जो दान पुण्य पति करता है, सेवा सत्कर्म करता है, उसकी पत्नी के खाते में जाता है। आपको सत्कर्म करने के लिए छोड़ा है, दान करने के लिए, भजन करने के लिए। एकादशी का व्रत करो, शिवरात्रि का व्रत करो, भगवान का भजन, उसका पुण्य आधा उसके खाते में जाता है। यदि आप एक लोटा पानी शिव जी को चढ़ाते हैं तो आधा उसके खाते में जाता है। मित्रों, जब दोनों साथ रहते हैं, पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं और साथ पूजन करते हैं, और पत्नी व्रत करके बैठी रहती है, तब भले खाते में न जाए, जब एक रह जाता है, और परमात्मा के यहां तो लिखा है एक न एक दिन जाना है, जब एक रह जाता है तो उसका हिस्से का भाग्य उधर चला जाता है। शिवा शिवा कहो, भगवत भक्ति में डूबे रहे, किसी पर आक्षेप लगाना गलत है, यह आपके गुण नहीं है, ऐसा कहां लिखा है? कौन कहता है विधवा स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए? इसीलिए यह सब गलत बातें हैं। शिव भक्ति में लीन रहे, शिव का स्मरण करो। जो लोग कहते हैं कि विधवा स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए, ऐसे लोग दुनिया में भ्रम फैला रखे हैं। तो इन सब बातों को छोड़कर किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि तुम्हारी वाणी से किसी को ठेस पहुंचती है तो उससे बहुत बड़ा पाप लगता है। तो मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे इसी प्रकार की वीडियो हम हर रोज आपके लिए लाते रहे। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दें। और मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय सीताराम जरूर लिखें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, और हाँ, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। आपका एक लाइक से हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो के संबंधित कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें।